अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर वैर से होंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है टैंकी के बारे में। टैंकी जो है ना, हमें हमारे रखे ऑटोमेटिक डिलेमो मैंने प्रेशर मोटर भी अभी जो मैंने इसके साथ फिट किया, ठीक है, क्योंकि ये एक ही मंजिल का काम है, तो इसलिए इसको जो है ना प्रेशर मोटर देना ज़रूरी होता है, नहीं तो नीचे फिर पानी का बहुत ही जो है ना कमी आता है, ठीक है। तो पाइप मैंने निकाल दिया, बार और बाहर का फिटिंग अभी रहता है, पर असर की बात ये करूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अभी इसको जो है ना पाइप लगाई, यूनियन लगाया, वाल लगाया, ये तीन जो है ना मेन लाइन है मेरे पास तीन, ठीक हो गया। तो ये तीन मेन लाइन है, तो ये बाकायदा अभी मैंने आप इसको लगा दे देना है। इस तरीके से इसका काम हो गया, और ये टैंकी है 3000 लीटर का, ठीक हो गया। और ये इसका जो है ना बिजली का कनेक्शन, ये पाइपिंग जो है ना मैंने सब पाइप देख, ये पीवीसी पाइप होता है, किस तरीके से मैंने इसको बैंड दिया, ठीक हो गया। इस तरीके से एक बैंड वहाँ पे दिया, एक ऊपर दिया, एक नीचे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पाइप लेकर गया, वहाँ से बिजली का कनेक्शन मैं दे रहा हूँ इसको, ठीक है। और साथ में इसका ये मेन लाइन मुकम्मल हो गया इधर से, इस पे जो है ना नीचे तीन चार बाथरूम है और एक किचन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है ना मोटर फिटिंग, यानी जहाँ से जो है ना टैंकी जो है ना भरेगी, तो ये यही वहाँ पर मैंने ये गाड़ी के साथ ये फिटिंग किया सारा, तो ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये काला पाइप पीवीसी का मेरे पास बिजली का पॉइंट है, बिजली का तार ये है, एक ऑटोमेटिक के लिए और एक हवा में के लिए। तो हवा में के लिए भी मैंने तार डाल दिया इस पाइप में, और ऑटोमेटिक मशीन के लिए जो है ना मैंने तार डाल दिया ऑटोमेटिक मोटर के लिए, ठीक है। जिस वक्त नीचे जो है ना टूटी ऑन करेगा, तो ये मोटर खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, यानी जब टूटी खोलेगा मोटर ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पाइप और तारे मैंने नीचे उतारे, अभी मैंने नीचे जाकर इसको भी ठीक कर देते ना, और डिलेमो मेरा वहाँ पे जो है ना पड़ा रहेगा, यहाँ जहाँ पे नीचे पानी है। और ये टैंकी आप देख सकते हो, इस टैंकी को जो है ना बाद में ऊपर से जो है ना ढक्कन वगैरह बना दिया जाएगा, चादर वगैरह चादर रखा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना सब खेती बाड़ी और यहाँ पे जो है ना भेड़ बकरियाँ जो है ना रखने वाली है, तो इसके लिए ये निज़ाम हुआ है। बाकायदे नीचे मैं डिलेमो लगाऊँगा, सब सिस्टम करूँगा, तो इसका भी वीडियो जो है ना वो मैं दे दूँगा चैनल पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये काम यहाँ से हो गया, टैंकी लग गया। अच्छा, यहाँ पे हमें छत पे भी जो है ना टाइल नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये गार्डर वगैरह जो है ना लोहे के लगा दिए, गार्डर मैंने लगा दिए। किस तरीके से आपने भी अगर लगाना हो, तो ये जो इसका पिलर बनी हुई है टैंकी में, इस पिलर के नीचे आपने जो है ना सपोर्ट दे देना है, चाहे वो आप जिस चीज़ का भी सपोर्ट देना चाहते हो, लेकिन सपोर्ट आपने इस पिलर को, जो टैंकी में ये पिलर बनी हुई है, ये इसकी पैर है, ठीक है, ये पिलर भी है, इसकी पैर भी है। तो इस तरीके से आपने इसका भी दे देना है, और ये काम हो गया, आप देख सकते हो। ये इतना जो है ना ख़ास काम नहीं है, ये अर्जी काम है वैसा भी, क्योंकि ये किराए की जगह है, बाद में ये काम होगा या नहीं होगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो नीचे इसका काम पहली वीडियो में मैंने बनवाई थी, वो भी आपने देख लिया था, ये थोड़ी सी नज़ारा भी कीजिए इसका आप। तो यहाँ से आपने देख लिया, नीचे से अभी मैंने भी काम करना है इंशाल्लाह, नीचे उतरना है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है ना ऊपर से मैंने आपको दिखाया, अभी नीचे से आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर से मैंने ये बिजली का यानी हवा में का पॉइंट और ऑटोमेटिक मोटर का पॉइंट, ये मैंने सब नीचे उतारा, फ्लोट स्विच फ्लोट जो स्विच जिसको कहते हैं, फ्लोट स्विच का मैंने उतारा, फ्लोट स्विच आप देख सकते हो, और ये उसका देख सकते हो, यहाँ पे दो साकट, एक ऑटोमेटिक होगा और एक नॉर्मल। ऑटोमेटिक यानी हवा में मोटर खुद बखुद जो है ना फ्लोट स्विच के साथ वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, ये दो पाइप उतारे, तो ये फिर यहाँ पे मैंने जो है ना क्या करना है, रखना है मोटर। तो जब मोटर रखूँगा, तो ये मैंने तारे यहाँ पर छोड़ दिए, फिर जो है ना तारे थोड़ी सी ज़्यादा है, और ज़्यादा भी होने चाहिए, क्योंकि फिर मोटर अगर आगे पीछे मुझे ले जाना होगा ऊपर या नीचे जिस तरीके से भी। तो ये पाइपिंग मैंने किया, ये पानी का पाइप हो गया, और ये बिजली की तार का पॉइंट। तो इस तरीके से ये काम हो गया, ऊपर से भी आपने देखा था और नीचे से भी मैंने आपको मुकम्मल तफसीर से दिखाया। तो इस तरीके से काम होता है। अच्छा, इसको जो मैंने मेन दिया हुआ है ना, तो मेन मैंने यहाँ से नीचे उतार के, मेन यहाँ से नीचे उतार के, मेन मैंने सीधा इसको जो है ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, मेन बोर्ड से, यहाँ पे पीछे मेन बोर्ड लगा हुआ है, तो मेन बोर्ड से मैंने इसको मेन दे दिया, ठीक है। तो साथ में ये ब्रेकर वगैरह से फिर ऑन ऑफ इसका मुकम्मल होगा, ठीक है। तो अपने बाइक को दे इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।